अस्सलाम वालेकुम गाइस। और मैं जानता हूँ मैं काफ़ी अच्छे बात जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब कोई काम है नहीं करने का तो यही कर लेते हैं। फिलहाल मैं फ्रैंकलिन बन के खेल रहा हूँ, और अभी फ्रैंकलिन जो है वो लेमार के साथ आया हुआ था माइकल की पुरानी शॉप पे। तुम लोगों को शायद याद हो या भूल चुके हो, काफ़ी अर्से बाद अपलोड कर रहा हूँ, शायद ना याद हो, लेकिन ये माइकल की यहाँ एक शॉप थी डिजिटल डेन के नाम से, जो जहाँ उसने अरशद को रखा हुआ था, याद ही हो मेरे साथ जो रहता था उसको उसने रखा हुआ था यहाँ पर नौकरी पर। तो अभी मैं उसी से मिलने आया था, और थोड़ा बहुत माइकल ने भी मुझे कहा था कि यहाँ चक्कर लगा ली। मैं वैसे तो अरशद के से ही मिलने आया था, माइकल के कहने पे तो मैं नहीं आया, लेकिन अभी मैंने मिल लिया तो अभी बस लेमार के साथ मैं वैसे ही घूम रहा था, लेमार भी फारिग है तो मैं और ये मिल के इधर आ गए। अब फिलहाल यार अभी हम लोग जो है वापस घर की तरफ चलते हैं, अभी लेमार कर बैठे, तो बैठ जाए अभी हम लोग। वैसे तो मैं तो सोच रहा हूँ लेमार की तरफ शोरूम से भी मैं सोच रहा हूँ कि चक्कर लगा लें, लेकिन एक सेकंड यार मुझे ज़रा कॉल आ रही है लेस्टर की, मैं यहाँ ना रुक के उससे बात कर लेता हूँ। लेस्टर से मुझे सर कॉल आ रही है, मेरी अभी लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर कह रहा है कि पता नहीं हमारी जो शोरूम है उस पर कोई पोर्ट का मसला बन गया है, पोर्ट से जहाँ हमने गाड़ियाँ मंगवाई थी उसका थोड़ा बहुत मसला बन गया, वो पुलिस वालों ने थोड़ी सी पकड़ ली है, थोड़ा सा मांगते हैं ना रिश्वत। तो अभी वो लेस्टर कह रहा है थोड़ी सी फाइल लेकर जानी पड़ेगी, और थोड़ा सा उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। शर्म नहीं आती वैसे उनको, रोज़ी में भी रिश्वत लेते हैं बड़े हरामी, लेकिन अभी जल्दी से बस चलते हैं हम लोग उधर शोरूम की तरफ, वहाँ से फाइल पिक करते हैं। ओके गाइस, अभी मैं जो हूँ लेमार के साथ बैठा बैठा पहुँचने वाले हैं शोरूम पे, लेफ्ट पे आ गया होगा, याद ही होगा एक ही तो शोरूम है पूरे लॉस एंड टॉस में। अरे भाई मोड़ ले यार, मैं मोड़ ही रहा हूँ यार। ये लेस्टर ने वैसे जो रोल्स रॉयस रखी है ना, ये इसने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, इसकी है काफ़ी खूबसूरत रोल्स रॉयस रखी है। मैं भी कभी बार सोचता हूँ ले लूँ, लेकिन सारे पैसे लग जाएंगे इस पर, कोई और काम वाम शुरू करेंगे ना फिर लेंगे। अभी यार आ जाओ लेस्टर से बात करके आते हैं क्या मसले। हेलमेट तो बड़ा अच्छा है बस, वैसे यार इसकी रोल्स रॉयस को देख के खुशी तो होती है यार, अपने बंदे के पास रोल्स रॉयस है। ऐसे किसी दिन टेस्ट ड्राइव मांगी, मैंने आज तक चलाई नहीं कभी। हाल आ जा लेमार, अंदर ही चले। वैसे ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया, बट ड्राइवर इधर ही आया था सुबह में, तो मुझे कह रहा था मैं शोरूम जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। हाल आ जा अंदर, उससे मिल कर आते हैं बाद में, देख लिया रोल्स रॉयस मुझे पता तुझे पसंद है बड़ी, मांग लेते हैं इसकी चाबी। लेस्टर साले क्या कर रहा है, ड्राइवर देख नहीं रहा है, बाथरूम शोरूम में गया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाल है लेस्टर? ठीक है? हाँ सलाम, मैं ठीक हूँ। सोचना चलो यार अभी लेस्टर से बात कर लेते हैं, और फाइलें पकड़ते हैं और फिर चलते हैं हम लोग। और क्या अभी देख फ़ोन पे ही अपना लगा रहा है, भाई फाइलें दे दे यार। सही है भाई, यार मैं जा रहा हूँ कसमें, जरा बंदा कुत्ता पा लें लेकिन जैसे दोस्त ना पालें, इतने हरामी बंदा मुझे बुलाया इतना दूर, एक तो पेट्रोल भी मेरा सरवाया इसने, और उसके बाद आया हूँ मैं तो इसने मुझे जो है फाइल व्हाट्सएप कर दिया। वाह मतलब कुछ इतनी दूर से एक बंदा आया, अब खुद जानो कोई मैं 20-20 मिनट तो बाइक चला के आया ही हूँ मैं। चलने मार आ जाए यार, अभी पोर्ट पे भी जाना है, वहाँ भी ख्वार होना पड़ेगा हरामी उनके साथ पुलिस वालों के साथ। चल फ्रेंकलिन यार चल ही रहा यार, बस चले हम भी यहाँ से, अजीब काम हो गए। हाँ यार अब जीप इन लोगों ने काम दे दिया, खैर अच्छी बात है, पूरा दिन वेले बैठ बैठ बंदा करे भी क्या यार। ये फ्रेंकलिन मैंने सुना है ये जो है फल खाने से रोजा नहीं टूटता, अरे कौन से डिस्काउंट आदमी ने बोल दिया, एक सेकंड मार के लगाने दे। अरे अब दफा कर, मुझे सारे रास्ते याद हैं, पक्का याद हैं। हाँ याद है मुझे, चल सही है ले जा फिर। हाँ कौन सा डिस्काउंट आदमी ने बोल दिया, बस फल खाने से रोजा नहीं टूटता। नहीं भाई यार वो मेरा एक दोस्त है, उसकी जो खाला थी ना वो एक बार हज करने गई थी, तो वहाँ एक बुढ़ी औरत ने उमरा करने गई थी, तो वहाँ एक बुढ़ी औरत थी वो सेब खा रही थी, उसने उनसे पूछ लिया कि आप सेब खाएंगी, तो उन्होंने कहा मेरा रोज़ा है, उन्होंने कहा सेब खाने से रोज़ा नहीं टूटता। वही वगैरह के ना बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए हुए, ठीक है ना, उधर जाकर बिल्कुल भी हंसना नहीं है, आज़ाद नहीं करना, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तूने उन्हें जाकर डिस्ट्रैक्ट करना है, और मैं पीछे से बाउंड लगा दूंगा, ठीक है ना। अगर ये काम ठीक ना होगा ना, कसम आवाज़ जान से मार देगा, ठीक है ना। उसने कहा है कि साफ साफ पूरा शोरूम जला चाहिए उसे, और बंदे भी जो अंदर हैं वो भी मारे चाहिए उसे, ठीक है ना। बिल्कुल शक नहीं होने देना उन्हें, मेरी बात याद रखी। अंदर जाकर तूने लंबी लंबी फेंकनी है, देख गाड़ियाँ अच्छी में आए हैं और ये तो समझेंगे नहीं गरीब हूँ, ठीक है ना। अच्छी गाड़ियाँ आए हैं, तूने उसने ये कहना है कि जी और वेंटली वॉक कराने आए हैं, और उनके पास कौन से खड़ी हुई है वेंटली, मैं चेक करके आया हूँ, ऐसी कोई नहीं खड़ी हुई, तो वो तुझे यूँ ही घुमाते रहेंगे, तुम कह रही ये वाला मॉडल चाहिए, नाम शाम याद ही होंगे ना बस, ठीक है ना। चल जल्दी चल, चल ये देख आ रहे हैं उनका बंदा आ रहा है। सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ यार। ये हमें ना एक वेंटली वगैरह करवा देते हैं पोर्ट हमें? हाँ सर हम करा तो देते हैं वैसे। हाँ तो आप ज़रा अंदर ऑफिस में चलें, या यूँ ही करा देंगे? हाँ सर आप बिल्कुल ज़रूर आप ऑफिस में चलें ना, फिर हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही कोई है नज़र में तो फिर आपको मंगवा दें। चलेंगे
अभी तो ऑफिस में ही चले ना। हाँ जी सर, आप चले चले आओ। वैसे पहले चले थे? नहीं नहीं सर, आप पहले चले, चलो सही है, मैं चलता हूँ। चलो अस्सलामुअलैकुम। ये किससे बात करनी है? ये सामने खड़े हैं जो, इनसे ही आप पूछ लेंगे, बता देंगे आपको। अच्छा सलाम अलैकुम। ये भाई हमें ना एक वेंटली थोड़ी सी पता करानी थी कि कितने तक की या कोई शहर में है हमारे, जरा सर बॉस हैं उन्हें चाहिए। अच्छा जरा आप उधर बैठे, हम पता करा देते हैं। अच्छा ले लें और देख लें कोई होटल में, ये लड़का जो मैं साथ लाया आपको बता देगा कि किस तरह की चाहिए, किस तरह करेंगे वगैरह। हाँ नहीं अभी तो हम देखेंगे, कोई नज़र में हुई तो फिर आपको बता देंगे। जी चलें ठीक है। मैं वैसे शोरूम का जायज़ा ले आऊँ, थोड़ा सा शोरूम घूमूँ। जी आप वैसे घूम हैं, ये दूसरे भाई खड़े हैं ना, ये आपको फिर बता देते हैं कि क्या रंग करना है ये। जी ठीक है आप घूमें। चले यार अपना काम हो गया, ये साले अंदर खड़े हैं, अब फिर से जल्दी से आऊँ लगा देता हूँ। जी ये बस काम हो जाए ना, कसम तनख्वाह बढ़ जाएगी। जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर हल्का सा लगा देते हैं वहाँ, ताकि इन्हें दिखे ना। ये वहाँ निकाला, ये जल्दी से लगा दो, ये तो बस दिखे ना बस। यहाँ भी लगा देता हूँ, क्या ही पता चलेगा इन्हें, जब तक वहाँ रहेंगे तब तक वो वहाँ फूट चुके होंगे। लगा जल्दी करें, इस वाली वे लगाते हैं। बड़ी मर्सिडीज़ रखी हैं सब कुछ सही, वो बहुत बहुत नाम कमा रहे हैं ना अपना, तो सारा शोरूम तबाह कर देंगे। ये लगा देते हैं और जल्दी से सारे वाहन लगाते हैं, फिर चलते हैं। मर्सिडीज़ भी रखी हुई है सारों ने, इसी साइड लगा देता हूँ इसके वाहन। ये डिग्गी में भी लगा देता हूँ वाहन में, ये डिग्गी में लगा दिया। इतने वाहन से काम तो नहीं होगा, पूरा शोरूम फाड़ना है, थोड़े से और लगा देता हूँ बस। अब शराखत से चलता हूँ उधर, ऐसे शोरूम टाइप बनाया है इन्होंने, चोरी का ही होना। लेकिन बाइकें भी रखी हुई हैं, तो बाइकों का भी वाउंड लगा दूँ, लेकिन बाइकों का वाउंड लगाया तो उन्हें शक हो जाएगा। जी भाई कोई है नज़र? जी भाई हम आपको बता देंगे, जैसी कोई नज़र में आती है ना तो हम आपको नंबर भाई ने लिखवा दिया हमें, तो हम फिर आपको कॉल कर लेंगे, फिर आप आ जाइएगा। जी चलें ठीक है, हम चलते हैं बस। फिर जैसी कोई नज़र में आई आप हमें बता दिएगा, फिर हम आपको एडवांस दे देंगे, फिर गाड़ी मंगाए आ जाएगी, तो फिर हम आपको पूरी पेमेंट कर देंगे। जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ सर। और जल्दी आ जाओ, हमें ना फूट जाएँ, जल्दी आ जाओ। अबे इतनी जल्दी आए थोड़ी ना फूटते हैं, ये वो बटन वाले हम। हाँ ऐसा क्या, तो ठीक ही रहा है, देख सारे रॉल्स रॉयस भी रखी हुई है। चल जल्दी कर यार, जल्दी चल। अरे एक तो ये फॉर्च्यूनर वाला बिल्कुल ही साथ लगा गया। जी जब बिल्कुल ही साथ लगा के चला गया जी, और मुझे दूसरी साइड वाली जगह से अंदर जाना पड़ेगा। चल जल्दी आ जाओ भाई, वहाँ बैठना फट जाए। अरे बटन पड़ा है यार, कितनी गाड़ी बताऊँ तुझे, बटन से पम फटेगा। हाँ कह तो सही रहा है, लेकिन जल्दी करना चाहिए ना, ऐसे में शक ही ना आ जाओ। वहाँ वहाँ देख गए तो उनके पास बंदूकें तो नहीं होगा, हमें गोली मार देंगे। अरे कोई नहीं, आ गया ना, वो जल्दी कर, बम तो वहाँ वाला बटन निकालना और जल्दी से वो लास्ट कर दे, थोड़ा साइड को जाने दे और फिर लास्ट कर दिया, अभी ना करिए पता लगे हम भी उड़ जाए। चल डुबा दे बटन, ये चीज़ और आओ बस, खुश कर देंगे, सही काम कर दिया। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा दिमाग है यार, यहीं तक आ ना आया। अरे नहीं नहीं अब तक नहीं आती, इतने ज़्यादा भी हो रहे वहाँ नहीं थे, लेकिन बम फोड़े हैं, मुझे नहीं पेशाब कर रहा यार, पता नहीं बहुत थोड़ी बुझाते हैं। मैं फायर ब्रिगेड को ही कॉल करता हूँ कि बुझाएं, फिर कैमरे में चेक करते हैं, मुझे शक हो उधर जा रहा है, और बार बार दरवाजे खोल के, और ये कितना शक है फॉर्च्यूनर पे, इसने बम बताया तो लस्टर के साथ में, लस्टर उस साइड से निकल तो गया था, लस्टर उस साइड भाग गया, मैं तो इस साइड भाग के आ गया, लस्टर बच गया, तो जो कर सकता हूँ वही करूँ। इतनी गंजी आग लगा ये लोग, माइकल फ्रैंकलिन वगैरह अभी जल्दी से फ़ोन निकाल के, पता नहीं बस लस्टर बच गया। जी तो बहुत बहुत तमाकू की आवाज़ जा रही है,